जय श्री कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, और सबसे पहले मैंने लिया था कढ़ाई एंड उसमें डाला था मैंने रिफाइंड ऑयल एंड उसमें जीरा एंड हरी मिर्च कट करके डाली थी, उसके प्याज कट करके डाले थे एंड मैंने ग्रीन पीस लिए हैं यहाँ पर फ्रोज़न वाले, वो भी मैंने इसी में डाल दिए थे। अब मैं इन दोनों को अच्छे से साथ में सौते कर लूँगी, इससे ये फ्रोज़न जो मटर होते हैं ना ये अच्छे से गल जाते हैं अगर मैं प्याज के साथ में डालूँगी तो। एंड इसको अच्छे से फ्राई करूँगी एंड मटर चेक करती रहूँगी बीच बीच में कि हुए हैं कि या नहीं हुए हैं। बट ये मेरे हस्बैंड बार बार इसको चेक करने की कोशिश कर रहे थे और उनके हाथ से बार बार फिसल रहा था क्योंकि बहुत गर्म था, बट मटर हो गया था। एंड इसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले हैं, जैसे हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला एंड उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी एंड उसके बाद गर्म मसाला डाला था एंड लास्ट में मैंने इसमें नमक डाला था जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में पनीर लोगे उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करिएगा। एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं क्योंकि मसाले जले नहीं, जिससे एक्चुअली पनीर में ना लोग कुछ लोग जो होता है बेसन भी भून के डालते हैं, बट मेरे को उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए सही है, बट वैसे मुझे वो बताऊँ सीरियसली में तो नहीं पसंद है। पर अगर आप ट्राई करना चाहो तो जिस समय आप प्याज भून रहे हो उसी समय थोड़ा सा बेसन भी उसमें साथ में ही भून के उसके बाद प्याज डाल के आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैंने इसमें टमाटो कट करके रखे हुए थे ऑलरेडी, वो भी इसमें डाल दिए। अब सब चीज़ों को मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगी एंड पनीर जब मुझे लगेगा कि ये अच्छे से भुन गया है, जो कि मुझे लग रहा है कि अब बस होने ही वाला है, और उसके बाद मैं इसमें पनीर ग्रेट किया हुआ पनीर डालूँगी। एंड उससे पहले मैं इसमें ना 2 चम्मच लगभग मलाई डालूँगी भर के, जो बहुत अच्छा टेस्ट देती है गाइस। एंड आप भी ट्राई कर सकते हो करना चाहो तो। मलाई वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आपको टेस्ट इन्हेंस करना है, आपको टेस्ट अच्छा करना है उसका, तो आप इसमें 2 चम्मच मलाई ऐड करके ज़रूर देखिएगा। एंड इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डालूँगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वैसे तो कई लोग भुर्जी जो है ना वो ड्राई ड्राई खाते हैं, हमारे घर पे भुर्जी जो है पनीर की वो थोड़ी सी मतलब ग्रेवी वाली, मींस ग्रेवी मींस मतलब थोड़ा सा ढीली ढीली टाइप की खाते हैं, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा दूध भी डालते हैं, कई लोग पानी भी डाल सकते हैं, बट हम लोगों को दूध ज़्यादा सही लगता है, तो इसलिए मैं इसमें पनीर के साथ में थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, जिससे जो पनीर की जो भुर्जी होती है ना वो थोड़ी सी मतलब रोटी के साथ ड्राई ड्राई ना लगे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको गीली गीली बनाती हूँ ताकि रोटी के साथ अच्छी लगे। एंड बस डेट्स इट, हम लोगों की भुर्जी बस ऑलमोस्ट रेडी है। इसको थोड़ा सा और भूनने के बाद ये प्लेटिंग के लिए रेडी है और इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। मैं तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ एंड दैट्स इट गाइस, ये रही हमारी प्लेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।